फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू सुपर एंजल्स एकेडमी। और आज हम कंटिन्यू करेंगे टेंस का जो टॉपिक है हमारा, विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आज का जो टेंस होने वाला है दोस्तों, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, टेंस बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी हो, वीडियो को अगर आपने देखा हो अच्छी तरह के तरीके से, तो मैंने बताया था कि हर टेंस को समझने के लिए हमें उसका स्ट्रक्चर पकड़ना है। तो आज हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों? देखिए, सब्जेक्ट तो सबसे पहले आएगा ही आएगा सर्टिव सेंटेंस में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद मेन वर्ब आएगी, और अब की बार मेन वर्ब जो होती है थर्ड फॉर्म, जिसको आप बोलते हो, होती नहीं है थर्ड फॉर्म, बोलते हैं, लेकिन नाम होता है पास्ट पार्टिसिपल। और लास्ट में अगर आपका असर्टिव सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट, और देन लास्ट में फुल स्टॉप। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब सेम स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट टेंस का भी होता है। तो प्रेजेंट और पास्ट में डिफरेंस किस चीज से पड़ता है? हेल्पिंग वर्ब से। हमें क्या मेन चीज पता होनी चाहिए? हेल्पिंग वर्ब इज फॉलोड बाय पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, अगर हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म के द्वारा फॉलो की गई है। मींस हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आई है तो वो टेंस डेफिनेटली परफेक्ट टेंस होता है। लेकिन परफेक्ट कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, या फ्यूचर परफेक्ट होता है, ये हमें बताएगा ये हेल्पिंग वर्ब। आपका ये हेल्पिंग वर्ब बताएगी आपको, हेल्पिंग वर्ब। तो मैं यहां फिर से बता देता हूं, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है दोस्तों, जो हम आज पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैज तो होता है और दूसरा होता है हैव। ये दो चीजें होती है, दो वर्ड होते हैं जो एज हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। अगर हमारा पास्ट, अगर पास्ट परफेक्ट आ जाए टेंस, अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है तो यही हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव की बजाय हम हैड में यूज, हैड का यूज करते हैं। और यही चीजें अगर फ्यूचर में आ जाए, फ्यूचर टेंस में आ जाए, तो फ्यूचर टेंस अगर आपका आ जाए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आ जाए, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव या शैल हैव, ये दो हेल्पिंग वर्ब आपकी यूज होती है। तो हमें सिर्फ आज फोकस करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। हम फोकस करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव है। ये बात दिमाग में सेट कीजिए, परफेक्ट टेंस कोई भी आ जाए, या प्रेजेंट का है, या पास्ट का है, या फ्यूचर का है, वर्ब की फॉर्म तो थर्ड ही लगेगी, मींस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का तो यूज होगा ही होगा। और परफेक्ट टेंस प्रेजेंट होगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब या तो आपको हैज मिलेगी या हैव मिलेगी। अगर परफेक्ट टेंस पास्ट होगा तो आपको हैड मिलेगा हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पे, और आपका परफेक्ट टेंस फ्यूचर होगा तो उसमें विल हैव या शैल हैव आपको हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगी। तो हेल्पिंग वर्ब जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको अच्छी तरीके से याद करना है, स्ट्रक्चर याद करना है, स्ट्रक्चर याद करना है, स्ट्रक्चर याद करना है। इसी चीज पे मैं एम्फेसाइज करता हूं, क्योंकि इसी से आपको पता चलता है कि कौन सा टेंस है। तो ये हम श्योर हो गए हैं कि भैया या तो हैज लगेगा या हैव लगेगा हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यहाँ पे थोड़ा हैज हैव में कंफ्यूजन रहता बच्चों को, कहाँ पर हैज लगेगा, कहाँ पे हैव लगेगा। ओके, मैं ये आपको नोट बता देता हूं, ये नोट याद कर लेना, इस पॉइंट को याद कर लेना। यदि सब्जेक्ट, इफ द सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट जो हमारा होता है, सब्जेक्ट सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन, तीन पर्सन होते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और बाकी जो होते हैं सभी थर्ड पर्सन होते हैं, ही, शी, इट, दे। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है प्रोनाउन केसेस का, आप देख सकते हैं सुपर इंद्रस एकेडमी पे। यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन वे सिंगुलर हो, ये ध्यान दीजिएगा, ये लाइन बहुत काम की है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी काम आती है, कई टेंस में आपकी काम आएगी, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में भी काम आती है, नरेशन में। तो
तो यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन वे सिंगुलर हो, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन वे सिंगुलर हो, सिंगुलर हो तो हैज हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन भी हो और एज वेल एज सिंगुलर भी हो, यानी कि सब्जेक्ट में दोनों क्वालिटी हो, वो थर्ड पर्सन भी हो और सिंगुलर भी हो, पहली कंडीशन तो क्या है, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होना चाहिए तो ही हम हैज लगाने के बारे में सोचेंगे। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो फिर ये भी चेक करेंगे वो सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे, अगर थर्ड पर्सन है और प्लूरल है तो भी नहीं लगाएंगे। तो एक ही कंडीशन है जहां पर हैज लगता है, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज लगेगा, यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो भी हैव लगेगा, हमारा सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है तो भी हैव लगेगा, हमारा पर्सन सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो हमें सोचना है हैज लगेगा या हैव लगेगा, ये भी डिसाइड होगा फिर, वो भी सिंगुलर और प्लूरल के ऊपर। ओके दोस्तों, देखो कुछ एग्जांपल देखिए, ये हैज हैव को कैसे समझना है। देखिए जैसे अनिल डैश डिपॉजिटेड हिज फीस, ये सेंटेंस आपके सामने है। अब देखो यहां पे हेल्पिंग वर्ब की जगह आपकी खाली है और आपको पता है हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो होती है, जो थर्ड फॉर्म होती है पास्ट पार्टिसिपल, जिसको मैं बार बार कन्वीनियंस के लिए आपको, क्योंकि पुरानी टाइम से आदत पड़ी है, पास्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल जो फॉर्म होती है। तो देखिए यहाँ पे हमें डिसाइड करना है कि परफेक्ट टेंस है ये और प्रेजेंट परफेक्ट है, तो अनिल थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर भी है, अनिल सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट अनिल एक है, सिंगुलर भी हो गया और अनिल थर्ड पर्सन भी हो गया, क्योंकि सभी नाम थर्ड पर्सन होते हैं, इसलिए इसमें हम हैज का यूज करेंगे। तो यही हमें ध्यान देना है, कंफ्यूजन मेन ही रहता है यहाँ पर है, स्ट्रक्चर सभी को याद है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, लेकिन हेल्पिंग वर्ब में कंफ्यूजन हैज पुट करना है या हैव पुट करना है। तो बड़ा इजी है, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन या सिंगुलर होगा, थर्ड पर्सन वे सिंगुलर, दोनों कंडीशन होनी चाहिए, एक नहीं कि आपने थर्ड पर्सन देख लिया तो ही तो हैज लगा दिया या सिंगुलर देख लिया तो हैज लगा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए जैसे मैंने सेंटेंस और लिखा, आई हैव लॉस्ट माय पर्स, मैंने अपना पर्स गुम कर दिया है या मैं अपना पर्स गुम कर चुका हूं, मींस परफेक्ट का मतलब क्या है, एक्शन कंप्लीट हो चुका है। परफेक्ट का मतलब होता है कि कोई एक्शन जो सेंटेंस में है वो कंप्लीट हो चुका है, जैसे हमने कल कॉन्टिन्यूस पढ़ा था, कॉन्टिन्यूस में जो एक्शन होता है वो कंप्लीट नहीं होता, वो चल रहा होता है, वो कंटिन्यू होता है, वो जारी होता है, लेकिन परफेक्ट में क्या होता है, एक्शन कंप्लीट हो चुका है। जैसे यहाँ पे देखिए, अनिल हैज डिपॉजिटेड हिज फीस, यानी अनिल ने अपनी फीस जमा करा दी है, यानी कि पेंडिंग नहीं है, फीस जमा हो चुकी है, यहाँ पे क्या है, जमा हो चुकी है या वो अपनी फीस जमा कर चुका है, तो चुका है इस तरह की सेंस, इस तरह की आपको हिंदी में अगर ट्रांसलेट करने की कोशिश करोगे तो इस तरह की साउंड आपको देखने को मिलेगी। अब ये देखिए, आई हैव लॉस्ट माय पर्स, मैंने अपना पर्स गुम कर दिया है, गुम कर दिया है, या मेरा पर्स गुम हो चुका है, या मैं अपना पर्स गुम कर चुका हूं, ये तो बात निकल के आई। तो देखो अब आई, वैसे तो देखा जाए तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट सिंगुलर है, और हमने रूल में पढ़ा कि सिंगुलर हो सब्जेक्ट तो उसके साथ हैज लगाएंगे, लेकिन मैंने इसके साथ फिर से हैव लगाया है, क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर तो है लेकिन ये थर्ड पर्सन नहीं है, क्योंकि आई जो होता है फर्स्ट पर्सन होता है, आई फर्स्ट पर्सन है, वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, और बाकी जो बच गया वो थर्ड पर्सन है। कितना इजी है याद करना, आई और वी फर्स्ट पर्सन काउंट करते हैं, वी सेकंड पर्सन काउंट, सॉरी आई और वी फर्स्ट पर्सन काउंट करते हैं, यू सेकंड पर्सन काउंट करते हैं, और बाकी आपके सामने बच गया जो थर्ड पर्सन है। तो दोस्तों देखो, अब हमें ये पॉइंट जो मैंने लिखवाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्पिंग वर्ब का डाउट क्लियर करने के लिए, और मुझे नहीं लगता कि ये मुश्किल है, क्योंकि आप काफी दिनों से पढ़ते आ रहे हो, अगर भूल चुके हो तो आप इसको याद कर लीजिएगा, इनके बगैर टेंस समझ में नहीं आएंगे, इंग्लिश समझ में नहीं आएगी, और परफेक्ट टेंस में वर्ब की तो कंफ्यूजन खत्म ही हो जाती है, क्योंकि सभी जगह थर्ड फॉर्म लगती है। अब और देख लीजिए, जैसे शी हैज won the trophy, कि भैया उसने ट्रॉफी जीत ली है,
यानी कि ट्रॉफी जीत चुकी है या जीत ली है, मींस काम कंप्लीट हो गया है। काम क्या है? जीतने का काम है। तो देखो थर्ड फॉर्म है वर्ब की, थर्ड फॉर्म, और ये मेन वर्ब होती है। और हैज देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गई आपकी, क्योंकि शी जो था वो थर्ड पर्सन भी था और सिंगुलर भी था। जो हमारा सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर भी है, तो इसलिए हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल याद रखना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो देखो शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आ गई या सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब आ गई। अगर वर्ब सिंगुलर नहीं बन पा रही तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर मिलेगी। ओके, तो क्या मेन चीज है स्ट्रक्चर में ध्यान देना है? सबसे पहले सब्जेक्ट पुट करना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब पुट करनी है, उसके बाद मेन वर्ब पुट करनी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में हो तो ऑब्जेक्ट लगा देना है और फुल स्टॉप लगा देनी है। और इस तरीके से हमारा असर्टिव सेंटेंस तैयार हो जाता है। हिंदी में बहुत सारे सेंटेंस बनते हैं, जैसे पिताजी दफ्तर जा चुके हैं, जैसे माई फादर हैज गोन टू ऑफिस, माई फादर हैज गोन टू ऑफिस। इसमें देखिए फादर जो है वो थर्ड पर्सन है, क्यों? फादर ना तो मैं हूं, आई भी नहीं है फादर, वी भी नहीं है, यू भी नहीं है, तो फादर थर्ड पर्सन है और फादर सिंगुलर भी है, तो फिर से आ गया हैज, हेल्पिंग वर्ब हैज आ गया, गोन थर्ड फॉर्म आ गई वर्ब की। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको याद है तो बड़ा इजीली स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब को सेट कीजिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की इंग्लिश लिखिए, वोकैबुलरी आपकी अच्छी हो तो बड़ी इजीली आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सॉल्व कर सकते हैं। पास्ट परफेक्ट तो बड़ा इजी होगा, पास्ट परफेक्ट में हैज और हैव का कोई रोल ही नहीं होता, दोनों की जगह हैड ही आता है, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, चाहे सिंगुलर हो, सब्जेक्ट से हेल्पिंग वर्ब हो, वहां पे हैड आता है। वो इससे भी इजी हो जाएगा, बस उसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है, वहां पे चुका था, चुकी थी, इस तरह के सेंटेंस आ जाएंगे, पास्ट हो जाएगा। प्रेजेंट में बस हमें ध्यान देना है। ओके दोस्तों, समझ में आया? मैं कुछ और एग्जांपल्स देता हूं, तीन चार सेंटेंस आपके सामने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखाता हूं, ताकि थोड़ा और अच्छी तरीके से आपको समझ में आए। लेकिन तब तक आपको ये नोट जो है मैंने लिखा है ये आपको याद होना जरूरी है, ये टिक्स पे होना जरूरी है, बोर्ड पे आपके सामने फिलहाल के लिए लिखा हुआ है, लेकिन ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, न कि बोर्ड पे। मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ ताकि यहाँ पर भी हम कोई सेंटेंस लिख सके। ओके दोस्तों, ये देखिए ये जो है ये गोल्डन रूल है, आपको स्ट्रक्चर के बाद ये जो है आपका गोल्डन रूल है, इसको दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिए। अब देखिए जैसे किसान पौधों को पानी दे चुका है, पौधों को पानी दे चुके हैं, चलो एक किसान नहीं है, बहुत सारे होते हैं किसान आंदोलन चला हुआ, तो उससे रिलेटेड एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखिए दोस्तों इसमें पहचानना पड़ेगा हमारे को, अब देखो जब चुके हैं, ये तो चुके हैं वर्ड है, तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब को शो करता है। चुके का मतलब तो कि टेंस परफेक्ट है, और है का मतलब कि ये प्रेजेंट का परफेक्ट है। चुके है का मतलब काम कंप्लीट हो चुका है। ओके, काम क्या, वर्ब क्या है इसमें? पानी देना, ये वर्ब हो गई आपकी, पानी देना वी फॉर वर्ब हो गया। और ऑब्जेक्ट किस चीज को पानी दिया? पौधों को। और किसने दिया? सब्जेक्ट किसान। अब आपके सामने सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, इसको स्ट्रक्चर में सेट कर दीजिए, आपका सेंटेंस तैयार हो जाएगा। और आप जो ये चीज हिंदी में बोलते हैं आप इसको इंग्लिश में बोल पाएंगे, जैसे फार्मर्स, फार्मर्स, अब प्लुरल हो गया, सब्जेक्ट प्लुरल है तो हैव ही लगेगा, क्योंकि अगर हैज के बारे में तभी सोचेंगे जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। फार्मर्स थर्ड पर्सन तो है, देखिए थर्ड पर्सन तो है लेकिन सिंगुलर नहीं है, इसलिए हैज वाला रूल कैंसिल, क्योंकि सिंगुलर की कंडीशन पूरी नहीं करता, थर्ड पर्सन की करता है, सब्जेक्ट सिंगुलर की नहीं करता, एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है, दूसरे वाले नहीं करता है। तो इन सच केस हमें हैव ही लगाना है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। ये आपका सब्जेक्ट हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब हुई, फार्मर्स हैव हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म, पानी देना, पानी देना होता है वाटर्ड, वाटर वर्ब हो गई तो वाटर्ड, फार्मर्स हैव वाटर्ड द प्लांट्स, पौधों को पानी दिया है, वाटर्ड द प्लांट्स, ये आपका ट्रांसमिशन हो गया। तो कितना इजी है, प्रैक्टिस की जरूरत है थोड़ी सी,
और आप हिंदी छोड़ के, अपनी लोकल लैंग्वेज छोड़ के, अपनी डायलेक्ट छोड़ के, गांव की घर की भाषा छोड़ के अगर आप ट्राई करें तो मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। प्रैक्टिस से आप ट्रांसलेट कर पाओगे बड़ी इजीली। वर्ड नहीं आते हैं तो आपको ढूंढने पड़ेंगे, जब आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट करोगे तो वर्ड भी ढूंढोगे तो आ जाएगी इंग्लिश बोलनी। और देखिए जैसे जैसे माताजी खाना पका चुकी है, माताजी खाना पका चुकी है, आप इस टेंस को अच्छी तरह समझ लेंगे तो आप पास्ट परफेक्ट अपने आप ही कर दोगे, क्योंकि सिर्फ पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी हैज हैव को हटा के सिर्फ हैड पुट करना है। जैसे ये सेंटेंस हो जाएगा, किसान पौधों को पानी दे चुके थे, तो बस वहां पे हैव को हटा के हैड लगा देंगे, वो बाद की बात है, लेकिन आपको पहले ये समझना पड़ेगा। ओके दोस्तों, अब इसमें देखिए चुकी है, तो चुकी का मतलब परफेक्ट और है का मतलब माताजी खाना बना चुकी है या पका चुकी है, तो ये यानी कि हेल्पिंग वर्ब है परफेक्ट टेंस की। और पकाना वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट क्या पकाया, खाना, किसने पकाया, मदर ने, सब्जेक्ट हो गया। तो आप फिर इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, मदर खाना पका चुकी है, मदर या माई मदर भी कह सकते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो है जाएगा, माई मदर हैज कुक्ड, थर्ड फॉर्म है कुक्ड फूड, मदर हैज कुक्ड फूड, ये फिर से सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। देखिए तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और सेंटेंस देखिए, सभी बच्चे स्कूल जा चुके हैं, सभी बच्चे स्कूल जा चुके हैं। अब देखिए इसमें सभी बच्चे स्कूल जा चुके हैं, इस सेंटेंस को देखिए, तो सभी बच्चे स्कूल जा चुके हैं। अब देखो हमें फिर से पता चल गया चुके हैं हेल्पिंग वर्ब है परफेक्ट की, जाना वर्ब हो गया, स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया, और बच्चे जो हो गया सब्जेक्ट हो गया। तो इसको फिर से देखिए, सब्जेक्ट लगाइए ऑल स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल के बाद हमेशा द लगाते हैं, तो इसलिए ऑल द स्टूडेंट्स लिख दिया मैंने सब्जेक्ट, ऑल द स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स प्लुरल हो गया तो हैव आएगी हेल्पिंग वर्ब, ऑल द स्टूडेंट्स हैव, और जाना वर्ब गो की थर्ड फॉर्म गो एंड गोन, ऑल द स्टूडेंट्स हैव गोन टू स्कूल, ऑल द स्टूडेंट्स हैव गोन टू स्कूल, ये आपका सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप जो सेंटेंस है उनको आप क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे, ट्रांसलेट कर देंगे जो भी आपसे पूछा जाए। लेकिन कंडीशन क्या है, आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, और स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी और कौन सी मेन वर्ब लगेगी। तो परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब आइदर हैज और हैड, इन दोनों में से एक चूज करेंगे, और फॉर्म जो वर्ब की है वो तीसरी फॉर्म जिसको आप बोलते हो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आप यूज करेंगे। ओके, आई होप समझ में आ गई बातें। तो ये हमने बात की असर्टिव सेंटेंस की, अब हम कोशिश करते हैं इसी को, सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं, अगर सेम टू सेम सेंटेंस हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाने पड़ जाए, अगर यही सेंटेंस हमारे को नेगेटिव बनाने पड़ जाए, तो नेगेटिव में मैंने क्या बताया था, हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट ऐड कर देंगे हम इसमें। देखिए जैसे फार्मर्स हैव, यहाँ पे नोट और लग जाएगा, फार्मर्स हैव नोट वॉटर्ड द प्लांट्स, बस नेगेटिव हो जाएगा, फार्मर्स हैव, यहाँ पे क्या बोला मैंने, नेगेटिव में क्या बोल दिया मैंने, हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट ऐड कर देंगे, NOT, नोट। तो फार्मर्स हैव नॉट वाटर्ड द प्लांट्स, किसान पौधों को पानी नहीं दे चुके थे, यानी कि किसानों ने पौधों को पानी नहीं दिया था, माताजी ने खाना नहीं पकाया था तो मदर हैज नॉट कुक्ड फूड, बच्चे स्कूल नहीं जा चुके हैं, अभी बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, तो स्टूडेंट्स हैव नॉट गोन टू स्कूल, मींस नेगेटिव आ जाएगा। तो कुछ भी नहीं करना आपको, हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट ऐड कर देना है, कल हमने पढ़ा था कंटीन्यूअस टेंस में, अगर असर्टिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस आपको बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ है, आपको क्या करना है, नोट लगा देना है। ओके दोस्तों, अगर हमें यही सेंटेंस इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करने पड़ जाए,
देखिए मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा, कुछ और सेंटेंस लेके चलते हैं। चलो देखते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे या आप कॉपी में लिखना चाहे तो जो भी आप करना चाहो कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और एक दो सेंटेंस मैं आपको लेके दिखाता हूँ ताकि कुछ और क्लियरिटी आ जाए, कुछ नई वर्ब आपको सीखने को मिले। ये देखिए मैं आपके सामने लिखता हूँ, सेंटेंस लिखता हूँ। ये देखिए जैसे दे हैव क्लोज्ड देयर शॉप, वे अपनी दुकान बंद कर चुके हैं। अगर ये सेंटेंस असर्टिव है, देखो लास्ट में फुल स्टॉप लगा है, हेल्पिंग वर्ब पहले है, उसके बाद पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, फिर मेन वर्ब है। और मैंने आपको बताया था अगर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है तो वो सेंटेंस होता है हमारा असर्टिव। कैसा सेंटेंस होता है? असर्टिव सेंटेंस होता है। अब अगर हमें इस सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है या इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना है तो कैसे होगा? अब नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो हम इसको क्या लिख देंगे, दे हैव नॉट क्लोज्ड देयर शॉप। ये देखिए ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ये कैसा सेंटेंस बन गया आपका? इसी सेंटेंस का नेगेटिव फॉर्म बन गया ये नेगेटिव। ओके, लेकिन इंटरोगेटिव बनाना होगा हमारे को इसी सेंटेंस को। तो मैंने बताया था इंटरोगेटिव में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा। क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को इंटरचेंज करना, यानी कि जैसे ऐसे आ जाएगा हैव दे क्लोज्ड। अब आप क्वेश्चन पुट कर रहे हो, हैव दे क्लोज्ड देयर शॉप, क्या वे अपनी दुकान बंद कर चुके हैं? तो क्या क्वेश्चन पुट कर दिया आपने, देखिए हैव हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई है, सब्जेक्ट इंटरचेंज हो गया है उसके साथ, बाकी चीज को नहीं छेड़ना है आपको। हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की जो पोजीशन है सेंटेंस में वो चेंज कर देनी है, या बोल सकते हैं इंटरचेंज कर देनी है, एक दूसरे को आपस में चेंज कर देना है। तो इस तरीके से क्या है आपका सेंटेंस जो है असर्टिव से या पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा या इंटरोगेटिव हो जाएगा। अब इसको वापस आपको इंटरोगेटिव को असर्टिव में कन्वर्ट करना है तो दे को आगे ले आइए, हैव को पीछे ले जाइए, फिर से आपका क्या हो जाएगा, असर्टिव हो जाएगा। हाँ, इसी में नेगेटिव बन सकता है, देखो हैव दे नॉट क्लोज्ड देयर THEIR देयर शॉप, इंटरोगेटिव में नेगेटिव भी बन सकता है। और मैंने बोला है हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको नोट लगाना है, लेकिन अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव आएगा तो देखो हैव हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आ गई और बीच में सब्जेक्ट आएगा, देखो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और फिर से आपका नोट आएगा नोट। तो ये ध्यान देना है इंटरोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब हैव के साथ नहीं लगाना है नोट, असर्टिव में हैव के साथ नोट लगेगा, लेकिन इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट और हैव हेल्पिंग वर्ब और नोट के बीच में सब्जेक्ट आएगा। ये लिखने का करेक्ट तरीका है, एक राइट जो आपको मेथड है, इस तरीके से सेंटेंस को आप लिखेंगे। आई होप इस सेंटेंस से आपको समझ के कुछ क्लियरिटी आई होगी। मुश्किल कुछ नहीं है बच्चों, मुश्किल कुछ भी नहीं है। अगर मुश्किल है तो हमें अपना डिटर्मिनेशन शो करने की मुश्किल है, हम अपनी सीटिंग नहीं बना पा रहे हैं, हम अपना मन पढ़ाई में नहीं लगा पा रहे हैं, ये मुश्किल है। अब मेरे को भी नींद आ रही थी इस टाइप पे, लेकिन मैंने थोड़ा अपने आप को डिटरमाइंड किया और बोर्ड के सामने हाजिर हो गया और आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप ऐसे ही डिटरमाइंड हो के आप भी इस वीडियो को देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, एक बार दो बार तीन बार इसको ध्यान से देखेंगे, स्ट्रक्चर को याद कर लेंगे, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद कर लेंगे, तो आपके लिए भी बहुत ईजी हो जाएगा। और एक बार जो चीज़ हमारे दिमाग में सेट हो गई तो फिर उसको हम बोलते नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो प्रैक्टिस मेक्स आवर लाइफ इजी, ध्यान रखना प्रैक्टिस जो है हमारी लाइफ को इजीयर और कुछ दिन बाद इजीएस्ट हो जाएगी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो थोड़ा हर दिन में एक घंटा टाइम निकाल लीजिए पढ़ाई के लिए, तब भी आपका काम चल जाएगा। ओके दोस्तों, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब आपसे थोड़ी सी हटके बात करता हूँ, क्योंकि इस टेंस में कुछ जो परेशानियां थी हेल्पिंग वर्ब की मैंने आपको समझा दी। अब जो ट्रेंड चला हुआ है, दो तरीके के स्टूडेंट्स हमारे, कुछ तो कहते हैं हमें इंग्लिश मीडियम इंग्लिश में ही समझ में आती है, इंग्लिश टू इंग्लिश हम पढ़ना प्रेफर करते हैं। तो देखो उनको ध्यान देना है, जैसे मैंने सेंटेंस लिख दिया,
जैसे मैंने लिख दिया अजीत हैज स्टोलन माय पर्स। अब आपको अपने दिमाग में सेट करना है कि भैया ये क्या कहना चाहता है। अब आपको दिखाई दिया हैज दिखाई दिया तो आपको समझ में आएगा कि परफेक्ट टेंस है। आपको हेल्पिंग वर्ब में हैज मिलता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है, तो आपको तुरंत सेट दिमाग में सेट कर लेना है, दिमाग में घुमा दिमाग को अप्लाई करना है, समझना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है कि अजीत मेरा पर्स चुरा चुका है या अजीत ने मेरा पर्स चुरा लिया है, मींस एक्शन कंप्लीट है। जहां पर भी हैज और थर्ड फॉर्म है वहां पे एक्शन कंप्लीट है। अगर थर्ड फॉर्म है तो एक्शन कंप्लीट है और हैज है तो एक्शन प्रेजेंट का भी है। तो अजीत हैज स्टोलन माय पर्स, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब आपसे कहेगी सेंटेंस को देखिए कौन सा टेंस है पहचानिए। आपने हेल्पिंग वर्ब को देखा और थर्ड फॉर्म को देखा, जैसे ही आपने थर्ड फॉर्म देखी तो आपको समझ में आया यार ये तो परफेक्ट है। फिर आपने देखा कौन सा परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है, तो आपने देखा फ्यूचर तो है नहीं है क्योंकि फ्यूचर में तो विल सेल जरूर मिलेगा, लेकिन हैज आया है तो हैज तो प्रेजेंट परफेक्ट में ही आता है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और देख लीजिए जैसे बॉयज हैव विजिटेड द स्टेडियम, बॉय जो है वो स्टेडियम घूम के आ चुके हैं। देखो ये देखो हैव आ गया हेल्पिंग वर्ब और इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। जैसे ही आपको हैव और थर्ड फॉर्म दिखाई देती है तो आपके दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए कि ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो ऐसे टेंस को आपको आइडेंटिफाई करना है। और टेंस को पहचानना क्यों जरूरी है, क्योंकि एक हमारा टॉपिक आता चेंज द वॉइस, चेंज करते वक्त आपको टेंस पहचानना होता है। नरेशन जब आप पढ़ते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जब आपको टेंस पहचानना होता है, जब आप क्वेश्चन टैग करते हो, टैग क्वेश्चंस का टॉपिक करते हो, तब आपको सेंटेंस पहचानना पड़ता है कि कौन सा टेंस का सेंटेंस है आपका। और जब आप कंपोजिशन करते हो, आपको एसे लेटर लिखते हो, डायरी राइटिंग करते हो, स्टोरी कब लिखते हो, तब आपको पता होना चाहिए कि मुझे अपनी जो फीलिंग्स है वो किस टेंस में एक्सप्रेस करनी है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। तो ये टेंस को आइडेंटिफाई करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आप ऐसे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को देख के ही आप टेंस के बारे में आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा टेंस आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों। अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो पहले दिमाग में हिंदी सुनते हैं फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं, मीन्स कुछ की फ्लुएंसी नहीं होती। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स कैसे क्या करते हैं, उनके सामने पहले हिंदी का सेंटेंस होता है, जैसे होता है, मैं कुछ लिख देता हूं सेंटेंस आपको, जैसे अध्यापक पाठ पढ़ा चुके हैं, अध्यापक पाठ पढ़ा चुके हैं, अध्यापक पाठ पढ़ा चुके हैं। ये ट्रेडिशनल तरीका है, जब इंग्लिश मीडियम नहीं होता था तो हम लोगों को ऐसे स्कूल में सिखाया गया था। तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जिनकी फ्लुएंसी नहीं है, वो पहले चीज को हिंदी में समझते हैं फिर ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। तो उनके लिए भी दिमाग में सेट होना चाहिए कि जैसे ही चुके हैं, तो चुके हैं का मतलब है उनके दिमाग में सेट होना चाहिए कि काम कंप्लीट हुआ। अगर काम कंप्लीट हो चुका है तो डेफिनेटली वो परफेक्ट है और परफेक्ट टेंस में ही आपको इसको ट्रांसलेट कर देना है। और सब्जेक्ट आपका क्या है, टीचर थर्ड पर्सन तो हैज लग जाएगा, बस यही ध्यान देना है यहाँ पे हैज लगाना है या हैव लगाना है। टीचर हैज टॉट पढ़ाना या सिखाना, टॉट द लेसन, टीचर हैज टॉट द लेसन। इस तरीके से हमें सेंटेंस को कन्वर्ट करना है। हिंदी मीडियम वाले को क्या सोचना है, ये देखना है कि काम कंप्लीट हो चुका है, अरे भैया चुका है परफेक्ट है, चुका है, चुका मींस परफेक्ट, है का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, चुका है प्रेजेंट परफेक्ट, और तुरंत प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर दिमाग में सेट करेंगे और ट्रांसलेट कर देंगे। प्रैक्टिस से ज्यादा स्पीड बन जाएगी। और इंग्लिश मीडियम को तो आपको पता ही है, आपकी सारी बुक्स जो है इंग्लिश मीडियम में है, आपकी बुक्स में इस तरह का सेंटेंस मिले, स्ट्रक्चर मिले जहां पे हैज है और थर्ड फॉर्म मिल जाए तो परफेक्ट टेंस होता है। ये आसान सा तरीका है, स्ट्रक्चर को देखकर ही टेंस को पहचाना जाता है। ऐसे नहीं पहचान सकते कि इसको पढ़ेंगे, बहुत सारे बच्चे मैंने देखे कि जी मैंने तो उसकी सेंस पकड़ ली। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं वो बोलते हैं कि सर हमें टेंस तो आते नहीं है बट हमने तो इसकी सेंस पकड़ के बता दिया। भैया सेंस पकड़ने से कुछ नहीं होता, वो बाई चांस आपने इतनी प्रैक्टिस की है आपको
आइडिया हो गया कि इसका ये मीनिंग निकलता है, लेकिन जो रूल है वो आपको अप्लाई करने आने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है आपका, और मैं चाहूंगा कि ये टेंस आपको अच्छी तरीके से आ जाए, और इसके लिए मैं 5 सेंटेंस भी देता हूँ, आप घर जा वीडियो को देखने के बाद इनको ट्रांसलेट करोगे। जैसे मैं लिख देता हूं, कविता बाजार जा चुकी है, कविता बाजार जा चुकी है, इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। और जैसे पक्षी पेड़ पर घोंसला बना चुके हैं, पक्षी पेड़ पर घोंसला बना चुके हैं, मेरे दादाजी स्वर्ग सिधार चुके हैं, मींस उनकी डेथ हो गई है, मेरे दादाजी स्वर्ग सिधार चुके हैं, ये सेंटेंस हो जाएगा। और जैसे जानवर घास खा चुके हैं। और देख लीजिए, जैसे हम अपना पुराना घर बेच चुके हैं, या हमने अपना पुराना घर बेच दिया है, एक ही बात है, थोड़ी सेंस समझने की बात है। तो ये मैंने 5 सेंटेंस लिखे हैं, आप इन 5 सेंटेंस को एज प्रैक्टिस ट्रांसलेट करके देखें, इनको पहले असर्टिव में कन्वर्ट करें, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस भी इनका बना के देखें, फिर इंटरोगेटिव भी इनका देखें, प्रैक्टिस हो जाएगी। और जब भी आप इनसे अलग कोई सेंटेंस आप बनाने की कोशिश करें, तो कोशिश करें कि हर बार जो सेंटेंस में वर्ब आए वो नई वर्ब आए, एक ही वर्ब को पकड़ के प्रैक्टिस नहीं करनी है, फिर तो आप नई वर्ब सीख ही नहीं पाओगे। तो आपको क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखने के लिए 2-3 मेन मेन बातें क्या है, पहली तो आपको उसका स्ट्रक्चर याद करना है, दूसरा उसके लिए एक मेन पॉइंट याद करना है कि कहां पर हैज या हैव लगेगा, और हैज और हैव क्या है, ये सेंटेंस की, इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। ओके दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अभी बेसिक तरीके से मैं आपको सभी को समझा रहा हूं, ताकि 4th स्टैंडर्ड से लेके हमारे 8th स्टैंडर्ड तक के जो बच्चे हैं आसानी से इनको समझ पाए, फिर इनके ऊपर हम काफी एडवांस लेवल पे, कॉम्पिटिशन लेवल पे किस तरीके के क्वेश्चन टेंस से रिलेटेड वर्ब फिल करनी आती है, इनके बारे में भी हम सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी चीज़ें, और अगर आपको ऐसे वीडियो और चाहिए तो सुपर एंजल्स एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमारे पढ़ाए हुए वीडियोज आपको अच्छे लगते हैं, स्टडी मटेरियल अच्छा लगता है, तो ये ड्यूटी बनती है आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी करना है और लाइक भी करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। ज़्यादा बातें मैं करता नहीं हूँ, मैंने अपना काम किया एज ए टीचर, मैंने पढ़ा दिया, अब आप अपनी ड्यूटी निभाइए एज ए स्टूडेंट, अच्छे स्टूडेंट के तौर पर ये वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऊपर अपनी पकड़ बनाइए, आप इसके ऊपर होल्ड रखिए, आपकी मास्टरी होनी चाहिए इस टेंस के ऊपर, और नथिंग कुछ भी नहीं है, आप डेली ये चीज़ें बोलते हैं, आप जो डेली बातें करते हैं, या अपने पेरेंट्स की, अपने फ्रेंड्स की, भाई बहन की, पड़ोसियों की बातें सुनोगे, तो यही इस तरह के सेंटेंस हम बोलते हैं, उन्हीं को हमने ट्रांसलेट करके बोलना है। जब हम डेली वाली चीज़ें बोलते हैं तो क्यों ना हम डेली वाली चीज़ों को इंग्लिश में बोलें, ताकि हमारी जो थोड़ी पर्सनैलिटी है या लैंग्वेज है, जो भी आप कहना चाहते हो, वो इम्प्रूव हो जाए। तो मैं साइड हो जाता हूँ, साइड क्या हो जाता हूँ, मैं तो गायब ही होने वाला हूँ। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड इन टुडेज वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टेंस का वीडियो होगा या किस चीज़ के ऊपर होगा ये तो आपको वीडियो देखने के बाद पता चलेगा, तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय।